दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के मैच में भारतीय टीम फिर से पाकिस्तान को हरा देगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय एशिया कप में हिस्सा ले रही है। इस टूर्नामेंट के सुपर चार स्टेज में भारत ने पहले मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया है। इसके बाद भारत को अब रविवार 23 सितम्बर को पाकिस्तान से सुपर चार मुकाबला खेलना है। इस मैच का लाइव प्रसारण शाम 5 बजे से स्टार स्पोर्ट्स और डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर देखा जा सकेगा। इस मैच के लिए भारतीय बल्लेबाजी क्रम में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं। अब तक नंबर 3 पर खेल रहे अंबाती राय अड्डू का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। उनकी जगह केएल राहुल को मौका मिल सकता है। इसका बड़ा कारण यह भी है कि केएल राहुल ने इंग्लैंड में अपने आखिरी मैच में तूफानी शतक लगाया था, जिसका उनको आप फायदा मिल सकता है। इसके अलावा दिनेश कार्तिक के स्थान पर मनीष पांडे को खिलाया जा सकता है। मनीष पांडे बेहतरीन बल्लेबाज है और वे रोहित शर्मा के चहेते खिलाड़ियों में से एक है। मनीष पांडे लंबे समय से भारतीय टीम में वापसी की इंतजार में है, लेकिन हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ उनको भारतीय टीम में जगह मिल जाए। गेंदबाजी विभाग में टीम मैनेजमेंट युजवेंद्र चहल के स्थान पर खलील अहमद के रूप में तीसरा तेज गेंदबाज खिला सकता है। युजवेंद्र चहल पिछले 3 मैचों से कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा रहे हैं और खलील अहमद ने अपने पहले ही मैच में 3 विकेट निकालकर खुद को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए तैयार कर लिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम में कितने बदलाव हो सकते हैं और कौन सा खिलाड़ी बाहर होगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। टीम इंडिया रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, एमएस धोनी, मनीष पांडे, केदार जाधव, रविवार जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह।